हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 शिक्षा शास्त्र के जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में शिक्षा शास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न सहित उत्तर, यानी प्रश्न भी हम उसको बताएंगे, उसका उत्तर भी हम आपको देंगे। मैराथन क्लास होने वाला है आपका, ये वीडियो मैराथन वीडियो भी कह सकते हैं इसको आप लोग। पूरा बुक का निचोड़ एक ही वीडियो में, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बताए गए एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 2025 पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए स्टूडेंट, और वीडियो को हमारी मेहनत के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास जो आपके साथ आपके क्लास में पढ़ रहे हों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 82% लोग जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो प्लीज़ कर दीजिए आप लोग। एक ही सेकंड लगता है स्टूडेंट, क्या है, एक ही सेकंड लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, कर दीजिए। मैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, जो भी टॉपिक पर आप लोग कमेंट करते हैं मैं उस पर वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो शिक्षा शास्त्र का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, इसमें सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों से शुरुआत करेंगे, फिर मैं आपका निश्चित उत्तरीय फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है, शिक्षा शास्त्र का बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न हर एक चैप्टर से लिया गया है। सारे जो चैप्टर हैं इसमें सारे सब्जेक्ट चैप्टर का इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न इंक्लूड हैं, तो सभी को आप लोग क्या है, टेस्ट देना चाहते हैं टेस्ट दे लीजिए, नहीं तो तैयार कर लीजिए, नहीं तो अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आपके पेपर में हर वर्ष पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि वैदिक काल में उपनयन संस्कार कब होता था, ये बहुत ही प्रख्यात क्वेश्चन है, एक प्रकार से पॉपुलर क्वेश्चन कहना है गलत नहीं है। तो वैदिक काल में उपनयन संस्कार, जो उपनयन संस्कार है ये कब होता है, शिक्षा प्रारंभ के समय, उच्च शिक्षा में प्रवेश लेते समय, या शिक्षा समाप्ति पर, या कभी नहीं। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा, उसी से लिया गया क्वेश्चन है, पहले का ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी शिक्षा प्रारंभ के समय वैदिक काल में उपनयन संस्कार कराया जाता था। ब्राह्मण में 8 वर्ष में, यानी जब 8 वर्ष का बालक हो जाता था और वैदिक काल में उनको शिक्षा प्रारंभ करना होता था, तो उपनयन संस्कार कराया जाता था, जो कि ब्राह्मण के समय में होता था, ठीक है, समझ में आ गया। तो पहले का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 5 आपके निश्चित आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं शिक्षा शास्त्र में। दूसरा प्रश्न पूछा गया कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन ये भी है, कहना गलत नहीं है। बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक है प्यारे विद्यार्थी, वो कौन हो जाएंगे, तो इनमें से हो जाएंगे गौतम बुद्ध, कौन हो जाएंगे, गौतम बुद्ध जी हो जाएंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था ये आप लोग बताइएगा, यदि आपको पता है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। देखिए, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। गौतम बुद्ध जो कि था आपका सेकंड चैप्टर है बौद्धकालीन भारतीय शिक्षा, उससे लिया गया क्वेश्चन है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 3 नंबर, ये देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मध्यकालीन शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी, थर्ड चैप्टर उससे लिया गया क्वेश्चन है। मध्यकालीन जो शिक्षा है मुस्लिम शिक्षा, ये भाषा कौन सी थी, तो अरबी फारसी थी, यानी तीसरे का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर, स्टूडेंट जो लोग भी अपना टेस्ट देना चाहते हैं, टेस्ट देखिए कैसे देंगे आप लोग। मान लीजिए कि आपने शिक्षा शास्त्र में सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार कर लिया है, आप धुरंधर हो चुके हैं, तो क्या कीजिए, अपना टेस्ट आप लगा लीजिए। ईमानदारी से हमारे बताने से पहले आप लोग क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। मान लीजिए कि मैं इसमें 30 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, 30 में से आपका 20 सही गया, तो आप इस तरह से लगा दीजिएगा, कॉमेंट में इस तरह से मैसेज भेजिएगा कि 30 में से 20 हमारा सही गया है, लेकिन ईमानदारी से अपने मन से भेजिएगा स्टूडेंट। इससे हमें ये आइडिया पता लगता है कि आपने कितने प्रतिशत तक की तैयारी हो चुकी है और आपको कितना हमें तैयार कराना है, ठीक है, ठीक है। तो सारी चीज़ों को ऐसे ही कीजिएगा, ईमानदारी से कीजिए, ईमानदारी बोर्ड एग्जाम में दिखाएंगे तभी आपका अच्छा मार्क्स आएगा, वहाँ पर नकल नहीं होता है, ठीक है। देखिए, चार्ल्स वुड का शिक्षा घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ, तो ये जो प्रकाशित हुआ था वो 1854 ईस्वी में हुआ था, यानी 4 नंबर का सी हो जाएगा, जो कि किन्होंने प्रकाशित किया था, ये किसका पत्रिका दिया गया था,
जो जर्नल लॉर्ड डलहौजी हैं, लॉर्ड डलहौजी को ये पत्र लिखा गया था। कौन सा पत्र था? चार्ल्स वुड को शिक्षा का घोषणा पत्र लिखा गया था 1854 में लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है, अगला देखिए, पाँच नंबर, मालवीय जी द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या है? काफ़ी हमारे प्यारे विद्यार्थी को पता होगा, जो मालवीय जी के द्वारा स्थापित संस्था है वो कौन सी है? वो है विश्व भारती। यानी पांचवे का आपका कौन सा हो जाएगा, जो है सी हो जाएगा, या पांचवे का ए हो जाएगा, या काशी हो जाएगा विद्यापीठ, या संस्कृत विद्यापीठ हो जाएगा। तो मालवीय जी का जो स्थापित संस्था का नाम आंसर सी हो जाएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। जो भी स्टूडेंट ए पर टिक लगाए होंगे उनका गलत हो जाएगा, विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर जी का हो जाता है। समझ में आ गया? तो इनमें से मालवीय जी के द्वारा स्थापित संस्था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, तो पांचवे का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांचवे का सी करेक्ट आंसर। अगला देखिए, छः नंबर, एनी बेसेंट का जन्म हुआ था फ्रांस में, हुआ था लंदन में, जर्मनी में, या इटली में? तो भैया लंदन में एनी बेसेंट का जन्म हुआ था 1 अक्टूबर, देखिए 1 अक्टूबर, ठीक है, 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में एनी बेसेंट का जन्म हुआ था। सात नंबर देखिए, रविंद्रनाथ का शिक्षा दर्शन किस विचारधारा से प्रभावित है? जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इनका जो शिक्षा दर्शन है किस विचारधारा से प्रभावित है? आदर्शवाद से, परियोजनवाद से, प्राकृतवाद से, या व्यवहारवाद से? तो जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं उनको इसका क्वेश्चन का आंसर पता होगा, प्रकृतिवाद आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सातवें का वी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा आठ नंबर, पर्यावरण का जनजीवन से कैसा संबंध है? जो हमारा संबंध है पर्यावरण से, यानी पर्यावरण से हमारा जो संबंध है वो घनिष्ठ है। कौन सा है? घनिष्ठ संबंध है भैया, ना अनौपचारिक है, ना साधारण है, ना कोई संबंध नहीं भैया, घनिष्ठ संबंध है। पर्यावरण है तो हम हैं, पर्यावरण नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो आठवें का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नौ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कैंसर रोग किस प्रदूषण का परिणाम है? कैंसर रोग भैया आपका जल प्रदूषण तो होगा नहीं, मृदा प्रदूषण भी नहीं होगा, ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होगा, तो इनमें से बचता कौन सा है? इनमें से बचता है सी वाला, रेडियोधर्मिता प्रदूषण। अब देखिए रेडियोधर्मिता प्रदूषण होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर परमाणु हथियार या परमाणु बम गिराया गया, या एक्सरे हुआ, ठीक है, या और एक्सरे हुआ, या और भी कुछ हुआ, तो उससे जो रेडियोधर्मिता प्रदूषण होता है इसी से कैंसर रोग अधिकतम होता है। तो नौ नंबर का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दस नंबर, विश्व वन्य जीव, ये देखिए विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना हुई कब हुई? 1962 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, 1975 या 1972 में? तो इसको भी हमने बता दिया था, जो कि विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना हुई ये कब हुई थी प्यारे विद्यार्थी? ये हुई थी 1962 ईस्वी में। और देखिए बुक में दिखा रहा है 1962 ईस्वी, लेकिन इसको गूगल पर सर्च किया तो भैया वहाँ पर 1961 ही दिखा रहा था। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना तो ये कहाँ पर हुई थी? स्विट्जरलैंड में हुई थी, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड में WTO, उसके बाद में जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फिर आपका और भी है, तो वो स्विट्जरलैंड जिनेवा यहीं में स्थित रहता है। तो विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना हुई 1961 में। 11 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है कौन है पैमाना? रिएक्टर स्केल, न्यूटन स्केल, पास्कल स्केल, या SI स्केल? तो भूकंप की तीव्रता भैया मापा जाता है रिएक्टर स्केल से, यानी रिक्टर स्केल जो हो जाएगा, यानी रिएक्टर स्केल ये राइट आंसर हो जाएगा। इसी से भैया भूकंप की तीव्रता हम लोग माप सकते हैं कि भैया वो कितने पैमाने पर चल रहा है। 11 नंबर का आया और ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये तो जियोग्राफी का क्वेश्चन आ गया, भूकंप की तीव्रता वाला। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस शिक्षा को अनिवार्य बनाने का संकल्प लिया गया है? किस शिक्षा को क्या है? अनिवार्य बनाने का, यहाँ पे देखिए अनिवार्य बनाने को संकल्प लिया गया है, तो वो भैया हमारा हो जाएगा 12 का आपका डी हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा को क्या है भैया लिया गया है, संकल्प लिया गया है
अनिवार्य बनाने का प्राथमिक शिक्षा को। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ आपके समक्ष, महिला सामख्या योजना का प्रारंभ हुआ था, तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कब हुआ था भैया। तो 13 नंबर का आपका भी ऑप्शन हो जाएगा 1989 में महिला सामख्या योजना का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, देखिए भारत में प्रौढ़ शिक्षा का आरंभ कब हुआ, 1908 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में या 1922 ईस्वी में। तो भारत में किस शिक्षा की बात हो रही है प्यारे विद्यार्थी, प्रौढ़ शिक्षा की। तो प्रौढ़ शिक्षा की बात की जाए तो 1910 ईस्वी में ये आरंभ हुआ था। आरंभ की बात हो रही है, आरंभ किया गया, ठीक है, इसकी स्थापना की बात नहीं हो रही है, आरंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की, जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, शिक्षा का विस्तार, स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट या वृक्षारोपण। तो 15 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, मुख्य कारण यही है कि स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि, ठीक है, जनसंख्या विस्फोट भी नहीं होगा। बुक के हिसाब से मैं सभी क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। अब आप लोग सोचें कि इसका आंसर क्या है सर, गलत बता रहे हैं, तो मैं बता दूँ कि जो बुक और क्या है, बुक में भी देखता हूँ, उसके बाद में मैं गूगल पर भी सर्च करता हूँ, फिर मैं आपके समक्ष क्वेश्चन का आंसर उपलब्ध कराता हूँ। आप लोगों ने इंस्टाग्राम की आईडी नहीं फॉलो की हुई तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मैं फ्री नोट्स देता रहता हूँ और जो भी बोर्ड से रिलेटेड जानकारी है सबसे पहले मैं वहीं पर क्या है स्टोरी के माध्यम से मैं बताता रहता हूँ, तो ज्वाइन कर लीजिए। या कुछ आपसे हमसे पर्सनल पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आपकी आईडी पर पूछ सकते हैं, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या किससे संबंधित है, अपव्यय तथा जो अवरोधन की समस्या है विषगली ये किससे संबंधित है ये आपको बतानी है, व्यावसायिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा। तो इनमें से 16 का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, देखिए भारत में जनसंख्या कितने वर्षों बाद की जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 10 वर्ष हो जाएंगे, यानी 17 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में जो प्रतिवर्ष जनगणना होती है 10 वर्षों के बाद की जाती है। अब देखिए भारत में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी 17 फरवरी 1881 को, जो कि भारत का पहला जनगणना किया गया था, ठीक है। भारत में प्रतिवर्ष जनगणना जो है होता है वो 10 वर्षों के बाद होता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रेरणा का स्वाभाविक कारण क्या है, प्रेरणा सब जो चैप्टर है आपका शिक्षा शास्त्र में इससे लिया गया क्वेश्चन है, तो जो प्रेरणा का स्वाभाविक कारण है बेसिकली स्टूडेंट कौन सा कारण हो जाएगा आपका, वो आपका कारण हो जाएगा आदत, आदत ही प्रेरणा का स्वाभाविक कारण है। तो 18 नंबर का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, अमूर्त पुरस्कार है, जो अमूर्त पुरस्कार है क्या छात्रवृत्ति है, प्रमाण पत्र है, प्रशंसा है या उपयोगी वस्तुएं हैं। तो जो अमूर्त पुरस्कार के अंतर्गत आते हैं प्यारे विद्यार्थी ये आपका क्या आ जाती हैं, ये आपका आ जाती हैं, कौन सा आ जाती हैं, इनमें से डी हो जाएगा, प्रशंसा हो जाएगा, जो कि अमूर्त पुरस्कार के अंतर्गत आती हैं। आखिरी क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, जो कि बहुविकल्पीय के माध्यम से है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि 70 से 80 बुद्धि, यहाँ पर देखिए बुद्ध लब्धि वाला व्यक्ति कहलाता है, प्रखर कहलाता है, प्रतिभाशाली, सामान्य या दुर्लभ बुद्धि। तो भैया 70 से 80 वाला दुर्लभ बुद्धि ही कहलाता है, इसको भी बारे में हमने अपने वीडियोज में कवर कर रखा हूँ। तो 70 से जो 80 बुद्ध लब्धि वाला व्यक्ति है वो कौन सा कहलाएगा, दुर्लभ बुद्धि कहलाएगा। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था, जो कि आपके शिक्षा शास्त्र की बहुविकल्पीय का, क्योंकि बेसिकली 5 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भी मैं क्वेश्चन बहुविकल्पीय का कराता रहूँगा। तो ये हमारा कम्प्लीट हो चुका है, अब चलिए देखते हैं अगला।
ट्वेल्थ शिक्षा शास्त्र यानी कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र का निश्चित उत्तरीय प्रश्न आ गया है हमारा, जो कि इसमें भी कम से कम 20 से 30 क्वेश्चंस में निश्चित उत्तरीय का बताऊंगा। ये 5 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, 5 आपके बहुविकल्पीय पूछे जाते हैं और 5 निश्चित उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। फ़र्क दोनों में इतना होता है कि क्या होता है फ़र्क स्टूडेंट, कि 4 उसमें बहुविकल्पीय दिए होते हैं बहुविकल्पीय में, इसमें बहुविकल्पीय नहीं दिया होता। इसमें क्या है, एक क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन दिया होता है उसका राइट आंसर एक लाइनों में दे देना होता है, ठीक है, और एक नंबर एक क्वेश्चन पर दिया जाता है। तो टोटल 5 क्वेश्चन निश्चित उत्तरीय का भी पूछा जाता है, जैसा कि यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। ज़्यादा देरी करके ना हम चलते हैं वीडियो को, और ये सभी क्वेश्चन जो मैं निश्चित उत्तरीय का आप लोगों को बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, लिखना चाहे तो लिख लीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी डिमांड पर मैंने इस वीडियो को लेकर आया हूँ। तो इसको वीडियो को क्या है, लाइक कर दीजिए, लाइक अभी तक नहीं किया है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है स्टूडेंट नए नए टॉपिक पर आप सभी के लिए वीडियो बनाना। और आप लोग कमेंट करते हो, मैं सारे कमेंट को पढ़ता हूँ और उस पर मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ और आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक सेकंड लगता है। वैदिककालीन गुरुकुलों में, यहाँ पर देखिए वैदिककालीन गुरुकुलों में गुरु शिष्य के संबंध कैसा था, फर्स्ट चैप्टर से पहला क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें देखिए वैदिक काल में जो संबंध था कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु शिष्य के आपसी संबंध बहुत ही मधुर तथा पिता पुत्र के तुल्य होते थे, यानी पिता पुत्र के समान होते थे, जो कि वैदिक काल में गुरु शिष्य का संबंध था, ठीक है। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर बस आप इतना ही था, एक नंबर का था, इतना लिख देंगे एक नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बौद्ध काल में स्थापित किन्हीं 2 प्रमुख विश्वविद्यालय का नाम लिखिए, बौद्ध काल में स्थापित किन्हीं 2 प्रमुख विश्वविद्यालय का नाम लिखना है। सबसे पहला है नालंदा विश्वविद्यालय तथा दूसरा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है स्टूडेंट, बिहार के राजगीर में, बिहार के राजगीर में शायद स्थित है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये भी बिहार के भागलपुर में है, बिहार के भागलपुर में है। तो बौद्ध काल में स्थापित किन्हीं 2 प्रमुख विश्वविद्यालय का नाम बता दिया है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए तो ये 2 विश्वविद्यालय का नाम आप लोग लिख दीजिएगा, आपका एक नंबर कहीं पर नहीं गया है शिक्षा शास्त्र में, ठीक है। अगला देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन, भारत के मध्यकाल में यहाँ पर क्या होना चाहिए, लेकिन मैं लिख गया है, बुक में भी काफ़ी बार गलत दिए होते हैं। देखिए भारत के मध्यकाल में शिक्षा के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे, शिक्षा के जो मुख्य केंद्र थे बेसिकली जो मुस्लिम केंद्र थे वो कौन कौन से थे ये हमें बताना है। मुख्य केंद्र जैसे आगरा हो जाएगा, दिल्ली, लाहौर जो कि पाकिस्तान का लाहौर भैया हो जाएगा, अजमेर, मुल्तान, मालवा, गुजरात तथा जौनपुर थे, ये मुस्लिम शिक्षा के केंद्र थे, जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 केंद्र थे बेसिकली। आगरा, दिल्ली, लाहौर, अजमेर, मुल्तान, मालवा, गुजरात तथा जौनपुर जो कि मध्यकाल के मुख्य केंद्र थे, शिक्षा के केंद्र थे। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये भी हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग किस सन में गठित किया गया तथा इसका अध्यक्ष कौन था, इसका जो अध्यक्ष था ये बताना है बेसिकली। तो विश्वविद्यालय भैया जो हमारा ये भी कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 ईस्वी में गठित किया गया तथा इसका अध्यक्ष माइकल, यहाँ पर देखिए माइकल सैडलर था 1917 में गठित किया गया, इसका अध्यक्ष यही था। बोर्ड एग्जाम में खास करिए बहुविकल्पीय में भी आपका पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग क्या है स्टूडेंट तैयार कर लीजिए, आएगा। 4 नंबर भी क्वेश्चन हो गया, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली जो कि भैया यूनियन टेरिटरी में आती है, हमारे
जो भारत देश में कितने टेरिटरी हैं यूनियन टेरिटरी के यानी केंद्र शासित प्रदेश, तो वो 8 हो जाएंगे। अब 8ों का नाम आप लोग जानते हैं तो कमेंट में बता दीजिए, मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है भैया? ये आपका नई दिल्ली में हो जाता है। देख सकते हैं एक एक लाइन में होता है, एक नंबर दिया जाएगा, बस आपको इतना ही लिखना होता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, मालवीय जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है, यानी जो मालवीय जी हैं इनके अनुसार जो शिक्षा का अर्थ है ये क्या है, ये हमें बताना है। तो देखिए, मालवीय जी के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं धार्मिक संस्कारों का विकास करना है। किनके अनुसार बताया गया प्यारे विद्यार्थी? मालवीय जी के अनुसार। मालवीय जी कौन है, इनका पूरा नाम क्या है? पंडित मदन मोहन मालवीय। इनके अनुसार शिक्षा का जो अर्थ है, देखा जाए तो बेसिकली पंडित जो मदन मोहन मालवीय जी हैं या आपके महात्मा गांधी जी हैं या एनी वेसेंट जी हैं या महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है, या एनी वे या रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, ये सभी कौन है? शिक्षा शास्त्री हैं। और इनसे जुड़े आपकी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, खासकर किस सब्जेक्ट में? शिक्षा शास्त्र में, जो आप अभी पढ़ रहे हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, तैयार कर लीजिए। और स्टूडेंट, जो मैं वीडियो जो लेकर आता हूँ, मैं आप लोगों के लिए मैं टॉपिक का वीडियो जल्दी लेकर आने वाला हूँ, बस आप लोग कमेंट कीजिए, उसमें मैं पूरी साल की तैयारी आप लोगों को बताऊँगा और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को उसमें मैं बताऊँगा जिससे आपकी जो पूरी बोर्ड एग्जाम की तैयारी है वो अच्छे से कम्प्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसमें हम सारी चीज़ों को बताएँगे जो आपके बोर्ड से संबंधित रहेगा, समझ में आ गया। उसके बाद में देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए, द एनी सेंट विजडम किताब के लेखक कौन है? द एनी सेंट जो विजडम बुक है, देखिए बुक का भी आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है शिक्षा शास्त्र में। द एनी जो एनी, यहाँ पर देखिए एनसीएंट, द एनसीएंट विजडम किताब के लेखक कौन है? द एनसीएंट विजडम किताब के लेखिका श्रीमती एनी बेसेंट जी हो जाएंगी। श्रीमती एनी बेसेंट जी इस पुस्तक की लेखिका हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर गांधी जी के शिक्षा दर्शन पर आधारित शिक्षा प्रणाली किस नाम से जानी जाती है? जो गांधी जी के शिक्षा दर्शन पर आधारित है ये शिक्षा प्रणाली किस नाम से जानी जाती है, बताइएगा। स्टूडेंट देखिए, अभी मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब है तो आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा। देखिए, तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, आपके लिए वीडियोज बनाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम कम बचा है और आपकी तैयारी मुझे अच्छे से कंप्लीट करानी है। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, मैं भी मेहनत करता हूँ, साथ में मिलकर क्या है एक प्रकार से हम आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। तो मेहनत कीजिए, टाइम कम बचा है, दिन रात मेहनत कीजिए कि बोर्ड एग्ज़ाम में एक प्रकार से काफ़ी अच्छे परसेंट मार्क्स आएँ और काफ़ी अच्छा मार्क्स आप गेन कर पाएँ। अदर कंपटीटर या अदर लोगों की तरह जो भैया फालतू चीज़ों में लगे हैं, इंस्टाग्राम में लगे, सोशल मीडिया में लगे हैं, गेम खेल रहे हैं, और आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी में जो शिक्षा दर्शन, शिक्षा प्रणाली किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए, गांधी जी के शिक्षा दर्शन पर आधारित शिक्षा प्रणाली जो कि बुनियादी शिक्षा प्रणाली के नाम से जानी जाती है। बस आपको क्वेश्चन के हिसाब से बस आपको थोड़ा यही लिख देना था, बुनियादी शिक्षा, बाकी एज इट इज वही रहता क्वेश्चन, ठीक है, एज इट इज बाकी सारे क्वेश्चन उसी तरीके से रहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ क्या है कि शिक्षा के व्यवसायिक उद्देश्य का तात्पर्य बताइए, हमें व्यवसायिक जो उद्देश्य का तात्पर्य है ये बताना है। देखिए, टैगोर के अनुसार शिक्षा के व्यवसायिक उद्देश्य के माध्यम से शिक्षार्थी को आत्मनिर्भर बनाना है। शिक्षार्थी को क्या बनाना है प्यारे विद्यार्थी? आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे वो अपनी जीविका स्वयं अर्जित कर सके, जिससे वो जो अपनी जीविका है प्यारे विद्यार्थी वो क्या कर सके? स्वयं अर्जित कर सके तथा अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। ये शिक्षा के व्यवसायिक उद्देश्य का तात्पर्य है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कितना प्यार से क्वेश्चन के आंसर को दिया गया है टैगोर के अनुसार, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया कि शिक्षा का व्यवसायिक उद्देश्य माध्यम से शिक्षार्थी को आत्मनिर्भर, यानी अपने हिसाब से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, वो अपने हिसाब से अपना आत्मनिर्भर कर सके, यानी सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सके, किसी कार्य को अपने हिसाब से करें, ठीक है, खुद करें, जिससे वो अपनी जीविका यानी जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके और तथा अपने परिवार का जीवन यापन कर सके, स्वयं भी अपना जीवन यापन करें और अपने परिवार का भी जीवन यापन करें। 9 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर मैंने दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर, यहाँ पर देखिए, वर्तमान समय में पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रेजेंट टाइम में देखा जाए
तो वर्तमान समय में जो पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण, देखिए पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना है। इसको क्या करना है प्यारे विद्यार्थी, नियंत्रित करना है, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना है। तो 10 नंबर का आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, ध्वनि मापन, ध्वनि मापन की इकाई क्या है, डेसिबल यानी डीबी हो जाएगी। ध्वनि मापन की जो इकाई है ये डेसिबल हो जाएगी यानी डीबी हो जाएगी, बस आपको इतना ही लिखना था, एक नंबर दे दिया जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, आग लगने पर सबसे गंभीर आशंका क्या होती है। आग लगने पर प्यारे विद्यार्थी जो सबसे गंभीर आशंका होती है, मैं बता दूं आपको वो क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए, आग लगने पर सबसे गंभीर आशंका व्यक्तियों के जलने या झुलसने की होती है, इससे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। यानी आग लगने से भैया किसको डर नहीं लगेगा, आग लग जाए तो उसमें क्या है, झुलसने झुलसने से यानी जल भी सकते हैं हम, उसमें झुलस भी सकते हैं यानी झुलस जलने से यानी जल भी सकते हैं, झुलसने का अर्थ होता है झुलस के बाहर भी आ सकते हैं, तो पूरा बॉडी हमारा जला होगा, झुलस भी सकते हैं और इससे व्यक्तियों की काफ़ी मृत्यु भी हो जाती है, आप लोगों को पता होगा। तो ये तात्पर्य है, इसका आंसर आप अपने शब्दों में भी दे सकते हैं, बस आप समझ लीजिए क्वेश्चन का आंसर को। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय दिवस यानी भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये देखिए भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, यानी एवरी ईयर 11 नवंबर को भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। एक एक नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसलिए आपके लिए बहुविकल्पीय और निश्चित उत्तरीय, फिर अतिलघु उत्तरीय, लघु और विस्तृत उत्तरीय समक्ष लेकर आ रहा हूँ, सामने क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं और आप लोगों को पता भी होगा जो शिक्षा शास्त्र के पेपर को, हमारे मॉडल पेपर को, वीडियोज को देखते होंगे, क्योंकि सबसे पहले आपका बहुविकल्पीय आता है, फिर आपका आता है पाँच बहुविकल्पीय, आने के तत्पश्चात निश्चित उत्तरीय पाँच प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर आपके आते हैं कितने, छः आपका आता है अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, छः आपका आता है लघु उत्तरीय क्वेश्चन और तीन आपका आता है विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन। तो सभी क्वेश्चन का अलग अलग नंबर डिसाइड है कि इतने क्वेश्चन का आंसर के जब आप लिख देंगे तो इतना नंबर दिया जाएगा, जिसमें एक नंबर इसमें एक नंबर दिया जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थन करने वाले किन्हीं दो समाज सुधारकों के नाम लिखिए। तो भैया स्त्री शिक्षा, स्त्री जो शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, राजा राम मोहन राय तथा स्वामी दयानंद जी थे, ठीक है, राजा राम मोहन राय तथा स्वामी दयानंद जी थे, इनका नाम लिख दीजिएगा, दो आपका एक नंबर फिक्स हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि समाज शिक्षा के दो साधन लिखिए, समाज शिक्षा क्या क्या है, दो साधन लिखना है, इसके दो साधन लिख दीजिए। सबसे पहला देखिए प्रौढ़ कक्षाएँ, दूसरा है सामुदायिक केंद्र, प्रौढ़ कक्षाएँ के साथ में क्या है, सामुदायिक केंद्र, ये समाज शिक्षा के दो साधन हैं जो कि इस प्रकार से हैं आपके सामने। 15 नंबर भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारत की नई जनसंख्या नीति कब घोषित की गई। सारे क्वेश्चंस इसमें बताए गए इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट, ये मत समझिएगा कि सर ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, ऐसे लेकर आना होता तो मैं क्या है चैप्टर वाइज पढ़ाता, टाइम कम बचा है तो इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ और आपके डिमांड पर लेकर आ रहा हूँ। तो आपसे इतना मैं रिक्वेस्ट है, जरूर करूँगा, निवेदन जरूर करूँगा कि इन सभी क्वेश्चंस को कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर इसका रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, रिवीजन कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और रिवीजन का टाइमिंग भी मैं बता देता हूँ आपको, कब करेंगे तब आपको ज़्यादा याद होगा, मॉर्निंग के टाइम याद कीजिए, यानी 4 बजे सुबह आप उठ जाइए 4 बजे, उसी के टाइम याद कीजिए तो ज़्यादा याद होगा, ठीक है। मुंह धुल लीजिए, उसके बाद में मुंह धुलने के तत्पश्चात पानी वगैरह पीकर, ठीक है, और आइए किताब उठा लीजिए और रिवीजन कर डालिए, एवरीडे रिवीजन कीजिए। देखिए एक टाइम टेबल बना लीजिए कि 6 दिन पढ़ाई करना है आपको, 1 दिन अपना टेस्ट देना है, तो संडे के दिन अपना पूरे सब्जेक्ट का टेस्ट दीजिए कि जो मैं अभी तक पढ़ रहा हूँ क्या मुझे आता है या नहीं आता है। सभी जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं यही स्ट्रैटेजी करते हैं, आप लोग कहेंगे तो मैं एक वीडियो भी लेकर आऊँगा टाइम टेबल पर कि कैसी आप लोगों की स्टडी करनी है, बचे हुए टाइमों में कैसे मैनेज करना है, जो अभी स्कूल जा रहे हैं और जो घर पर हैं, ठीक है, तो वीडियो बताइएगा, मैं मैसेज कीजिएगा, मैं वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा।
तो भारत में नई जनसंख्या नीति कब घोषित हुई? तो देखिए, भारत की नई जनसंख्या नीति 15 फरवरी 2000 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा घोषित की गई। 2000 को प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा क्या है, घोषित की गई। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, थार्नडाइक ने सीखने की किस विधि को समर्थन किया है? थार्नडाइक ने सीखने की किस विधि को क्या है, विधि का समर्थन किया गया है, ये बताइए। जो आपका सीखना अर्थ एवं प्रक्रिया जो सेकंड पार्ट का चैप्टर है, इससे लिया गया क्वेश्चन है। देखिए, थार्नडाइक ने सीखने की प्रयास एवं त्रुटि वृद्धि का समर्थन किया गया है, किसी का त्रुटि जो वृद्धि या विधि है इसका समर्थन किया है, त्रुटि विधि का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, भूख एवं प्यास किस प्रकार के अभिप्रेरक माने जाते हैं? भूख और प्यास, देखिए भैया ये दिमागी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बहुत ही प्यार से दे देंगे। मैंने काफ़ी बार बहुविकल्पी में भी इसका आंसर आप लोगों को दे चुका हूँ, आप लोग हमारी स्टूडेंट हैं, इसका आंसर आपको पता होगा। तो भूख एवं प्यास किस प्रकार के अभिप्रेरक है भैया? ये जन्मजात है भैया, जन्म से ही जब हम पैदा होते हैं तभी से ये सारी चीज़ें हमें प्रारंभ हो जाती है, भूख लगना भी, जिससे हम दूध पीते हैं, उसके बाद में प्यास यानी पानी पीते हैं या दूध, समझ लीजिए वही है वो प्यास। तो ये जन्मजात अभिप्रेरणा है। और एक होता है जाति, जाति वाला भी पूछ रहा है कि जाति किस प्रकार का प्रेरणा, तो ये भी जन्म से है, जन्म से ही हमारा निर्धारित हो जाता है कि किस जात में हम पैदा हुए हैं, ठीक है, किस में पैदा हुए, क्षत्रिय में, शूद्र में, वैश्य में या ब्राह्मण में, तो वो हमारा जन्म से निर्धारित हो जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि अवधान की प्रक्रिया की चार मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, हमें चार मुख्य विशेषताएं बतानी है। सबसे पहला एकाग्रता, दूसरा मानसिक क्रियाशीलता, तीसरा आपका हो जाता है चयनात्मक, यहाँ पर देखिए चयनात्मकता, तथा चौथा है प्रयोजनशीलता। ये है 19 नंबर क्वेश्चन की चार मुख्य विशेषताएं। अब देखिए, तो मैंने इस तरह से चार विशेषताएं बता दी हैं, लेकिन आपको इस तरह से नहीं लिखना है, आपको किस तरह से लिखना है देखिए, आपको इस तरह से लिखना है कि अवधान की प्रक्रिया की चार मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं या निम्नवत है, फिर आप चारों का आंसर दीजिएगा, इससे ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं कॉपी वाला वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा, उसमें मैं सारी चीज़ें प्यारे विद्यार्थी डिटेल में आप लोगों को बताऊँगा, ताकि आपको प्यार से सारी चीज़ें समझ में आए। समझ में आ गया, चलिए देखते हैं 20 नंबर और आखिरी क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का, निश्चित स्तरीय का, मानसिक स्वास्थ्य की एक संक्षिप्त परिभाषा दीजिए। हमें क्या करना है, एक संक्षिप्त परिभाषा देना है, भाटिया के अनुसार हम परिभाषा देंगे जो कि शिक्षा शास्त्री हैं। मानसिक स्वास्थ्य यह बताता है कि कोई व्यक्ति जीवन की मांगों और अवसरों के प्रति कितनी अच्छी तरह से समायोजित है, कितनी अच्छी तरह से क्या है समायोजित है, इसके बारे में बताना है। ये मानसिक स्वास्थ्य की एक संक्षिप्त परिभाषा दी हुई है, ठीक है, यह आप देख सकते हैं संक्षिप्त परिभाषा। एक नंबर का क्वेश्चन था, बता देना है और आपको आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो 20 निश्चित उत्तरीय प्रश्न था, हमने आप लोगों को बता दिया है, समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं हमारा अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, अब हमारा आ चुका है 12th शिक्षा शास्त्र का, यानी कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी एक जो शिक्षा शास्त्र है, देखिए कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र का अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 6 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न आपके शिक्षा शास्त्र में 4 नंबर का होता है, 50 शब्दों में इसका आंसर देना होता है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बताना है हमका, इसका मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य है इसके बारे में बताना है, इसमें बताएंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो देखिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है, यानी कुछ पॉइंट के थ्रू दिया हुआ है। देखिए सबसे पहला है क्रोह एवं क्रोह, जो शिक्षा शास्त्री है इनके अनुसार हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। देखिए मानसिक अव्यवस्था अव्यवस्था एवं अस्वस्थता का नियंत्रित करने, अस्वस्थता को नियंत्रित करना तथा मानसिक रोगों को दूर करने के उपायों की खोज करना, उपायों की क्या करना प्यारे विद्यार्थी, खोज करना, ये क्रो एवं क्रो का परिभाषा है। दूसरा है प्रत्येक व्यक्ति को सामंजस्यपूर्ण और सुखी जीवन व्यतीत करने में सहायता देना, क्या करना, सुखी जो जीवन है यानी सुखी, यहाँ पर देखिए
सुखी जीवन व्यतीत करने में सहायता देना। तीसरा है मानसिक तनाव और चिंताओं से मुक्त दिलाने में, यानी मुक्ति दिलाने में सहायता देना। ये मानसिक तनाव और चिंताओं में मुक्ति, जो मुक्ति है दिलाने की सहायता देना, ये मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मुख्य उद्देश्य हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसके पूरे कॉन्सेप्ट को किस तरह से मैंने बताया हुआ। मैं थोड़ा आपको समझाना चाहूँगा, डीपली मैं समझाऊँगा ताकि आपको दिमाग में सारे क्वेश्चन का आंसर फीड हो जाए, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के उद्देश्य हैं। क्रोयो क्रू के अनुसार इन्होंने अपना हिसाब से मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित किया है कि मानसिक अव्यवस्था एवं अस्वस्थता को नियंत्रित करना, यानी मानसिक जो अव्यवस्था है और अस्वस्थता, इसको नियंत्रित करना, मानसिक रोगों को यानी जो हमारे दिमाग के रोगों को दूर करने के उपायों की खोज करना, इसी को मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान कहते हैं। अब उसके बाद में देखिए कॉन्सेप्ट, यानी बुक के हिसाब से क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति यानी हर एक व्यक्ति का सामंजस्यपूर्ण, यानी किसी भी बुक सामंजस्यपूर्ण और सुखी जीवन, यानी सुखी जीवन एक प्रकार से सुख से वो जीवन व्यतीत करने में सहायता देना, उसी को मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान कहते हैं, जो कि बुक के हिसाब से इसका आंसर है। तीसरा है मानसिक तनाव, यानी हमारे माइंड में तनाव रहता है ना, या किसी बात को लेकर तनाव, या कोई चीज़ हम सोच लेते हैं उसकी बात में तनाव, यानी कोई विचारधारा को सोच लेते हैं या कोई बातों को सोच लेते हैं, जब गहरी सोचों में हम चले जाते हैं, तो ये मानसिक तनाव और चिंताओं से मुक्ति दिलाने में सहायता देना को मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान कहते हैं। तो आई होप कि पहले नंबर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वीडियो रोक कर समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर, मौखिक परीक्षण से क्या आशय है। मौखिक परीक्षण से क्या आशय है, मौखिक परीक्षण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यही क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं और चार नंबर दिलाकर, जो पढ़े होते हैं उनको दिलाकर चले जाते हैं। देखिए, उपलब्धि या ज्ञान अर्जन परीक्षण का प्राचीनतम तथा सर्वाधिक लोकप्रिय स्वरूप मौखिक परीक्षण रहा है। मौखिक परीक्षण रहा है। इस प्रकार के परीक्षण के अंतर्गत परीक्षणकर्ता अर्थात शिक्षक या अध्यापक द्वारा छात्र छात्रा से विषय से संबंधित कुछ प्रश्न आमने सामने बैठकर पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न क्या है, आमने सामने बैठकर पूछे जाते हैं। छात्र तथा छात्रा दिए गए उत्तरों की शुद्धता और अशुद्धता या ठीक गलत के आधार पर उसके ज्ञान का समुचित मूल्यांकन कर लिया जाता है। अब यहाँ पर मैं अपने भाषा में थोड़ा समझा दूँ आपको। देखिए, मौखिक परीक्षण का अर्थ होता है कि इस प्रकार के परीक्षण के अंतर्गत जो परीक्षणकर्ता, मान लीजिए कि मैं आपका परीक्षण ले रहा हूँ, ठीक है, मैं टीचर हूँ, परीक्षण ले रहा हूँ, शिक्षक या अध्यापक, जैसे कि मैं अध्यापक हूँ, छात्र छात्रा, आप लोग हमारे छात्र छात्रा हैं, संबंधित कुछ प्रश्न, जैसे हम प्रश्न आपके सामक्ष लेकर आए हैं कि मौखिक परीक्षण क्या है, इसमें प्रश्न को सामने हम बैठ कर पूछते हैं, आप हमारे समक्ष उपलब्ध हैं, मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हैं, हम आपके समक्ष में कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, बैठ कर पूछिए आप। छात्र छात्रा दिए गए उत्तरों की शुद्धता या अशुद्धता, मान लीजिए आप गलत उत्तर देते हैं या सही उत्तर देते हैं, ठीक है, आधार पर उसके ज्ञान का समुचित मूल्यांकन कर लिया जाता है, उसी को मौखिक परीक्षण कहते हैं, ठीक है, इसी को मौखिक परीक्षण कहा जाता है। आई होप कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, जो मैं समझा रहा हूँ आपको, आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। ये दूसरे नंबर क्वेश्चन का सटीक उत्तर है, समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पर्यावरण शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसके प्रमुख विशेषताएं इसका हमें उल्लेख करना है। देखिए, पर्यावरण शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं, कुछ प्रकार से भैया इस प्रकार से दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहला है, पॉइंट के थ्रू दिया हुआ है कि पर्यावरण शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। ये तो आपको लिखना कंपलसरी है। अब ये नहीं कि डायरेक्ट भैया लिख दीजिएगा 1 2 3 4 आप हेडिंग डाल के इस तरह से लिख दीजिएगा, इस तरह से बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा, नहीं तो एग्जामिनर सोचेगा कि बच्चे को प्रश्न का उत्तर देने में, यानी या उसको देने में आता नहीं है, प्रश्न का उत्तर उसको देने में नहीं आता कि कैसे दिया जाता है, ठीक है। तो ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये समझ में आ जाए कि भैया निम्न प्रकार से है, नहीं तो आप इस तरह से समझेंगे कि विशेषता है तो आप एक ही लाइन में लिख दीजिए इसका विशेषता, समझ जाएगा, लेकिन 2-3 प्रकार के हैं तो उसको आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में समझाना पड़ेगी, ठीक है। देखिए, पहला है पर्यावरण शिक्षा,
देखिए, पर्यावरण शिक्षा मानव के प्राकृतिक और भौतिक पर्यावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? मानव के भौतिक और भौतिक और प्राकृतिक और भौतिक पर्यावरण से संबंधित है। दूसरा है, पर्यावरण शिक्षा द्वारा हमें विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषणों, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण के स्वरूपों तथा कारणों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके कारणों का क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरा है, पर्यावरण शिक्षा प्रदूषण नियंत्रण के उपायों का ज्ञान कराती है। ठीक है, उपायों का क्या कराती है प्यारे विद्यार्थी? ज्ञान कराती है। तो ये पर्यावरण शिक्षा की प्रमुख विशेषताएँ हैं, जो कि इसका उल्लेख दिया हुआ है, इसका उल्लेख मैंने आपको बता दिया है। कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं, इसके प्रश्न का उत्तर को आप लोग बड़े ही प्यार से समझ सकते हैं। ठीक है, आपके समक्ष उपलब्ध है क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, चार नंबर, सामाजिक शिक्षा की उपयोगिता का विवेचन कीजिए या विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर विवेचन दिया हुआ था, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है। देखिए इसका आंसर, देखिए बेसिकली इसका 50 शब्दों में आंसर देना होता है। चार नंबर का है, क्योंकि कहा गया है ना, जिस प्रकार से दाम उस प्रकार से काम। दाम भी आपका भैया चार नंबर का है, तो काम भी आपको उसी के हिसाब से करना पड़ेगा ना, तभी एग्जाम में संतुष्ट होगा और खुश होकर नंबर आपको देगा। देखिए, सामाजिक शिक्षा की बहुपक्षीय उपयोगिता है, इससे प्रौढ़ स्त्री पुरुषों में साक्षरता का प्रसार होता है। ये अर्ध तथा अल्प शिक्षित प्रौढ़ों को समुचित स्तर तक शिक्षित करने में सहायक है। ये प्रौढ़ नागरिकों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इससे शिक्षा के लक्ष्यों की पूर्ति होती है। इससे भैया जो शिक्षा के लक्ष्यों की क्या होती है? पूर्ति होती है। ये सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति में भी योगदान देती है। आर्थिक प्रगति में भी क्या देती है प्यारे विद्यार्थी? योगदान देती है। ठीक है, तो सामाजिक शिक्षा की उपयोगिता की ये विवेचन है, जो कि इस तरह से दिया हुआ था, हमने बता दिया आप लोगों को। तो आई होप कि समझ में आया होगा तो इसको तैयार कर लीजिएगा, सामाजिक शिक्षा की उपयोगिता के बारे में है। ठीक है, जो मुझे लगता है कि समझाने के लिए है, थोड़ा डीपली समझाना पड़ेगा, वही मैं आपको समझाऊंगा। और जो लगता है कि भैया समझाने के लायक नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो वो आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पांच नंबर, देखिए पांच नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि थारन डाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने की विधि की शैक्षिक उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। किसकी विधि के द्वारा? थान द्वारा प्रतिपादित सीखने की विधि के द्वारा। तो इस विधि की उपयोगिता का संक्षिप्त विवरण अग्र प्रकार से है। क्या है? अग्र प्रकार से दिया हुआ है। सबसे पहला है, ये सिद्धांत बालकों को धैर्य का पाठ पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है भैया? बालकों को धैर्य का पाठ पढ़ाता है। दूसरा है, इस सिद्धांत को अपनाकर बालक को परिश्रमी बनाया जा सकता है। बालक को क्या बनाया जा सकता है प्यारे विद्यार्थी? परिश्रमी बनाया जा सकता है। तीसरा है, मंद बुद्धि के बालकों, जो कि 70 से 80 वाला जो भैया उनकी बुद्धि लब्धि होती है, मंद बुद्धि के बालकों के लिए ये सिद्धांत बहुत उपयोगी होता है। और लास्ट वाला है चौथा नंबर, कि इस सिद्धांत के आधार पर सीखने से बालक विभिन्न समस्याओं का समाधान करना सीखते हैं। अब देखिए, मैं इसको समझा दूंगा थोड़ा, ताकि आपको डीपली समझ में आ जाए। देखिए, ये जो सिद्धांत होता है, सीखने की विधि, शैक्षिक उपयोगिता, जो कि थारन डाइक द्वारा एक प्रतिपादित है, ये एक प्रकार से विधि है जो कि इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित है। इससे क्या होता है कि अपनाकर बालक को परिश्रमी बनाया जा सकता है। ठीक है, जो मेहनती बालक हैं उनको और परिश्रमी बनाया जाता है, जो कमज़ोर है उनको परिश्रमी बनाया जाता है। इसमें बालकों को धैर्य का पाठ पढ़ाया जाता है। और जो मंद बुद्धि बालक होते हैं भैया, जिनको ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, वो मंद बुद्धि होते हैं, उनको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता है, ये सिद्धांत उनके लिए बहुत उपयोगी है। और इस सिद्धांत के आधार पर जो सीखना, यानी किसी भी कार्य को सीखना है, या कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ है जिसको आप सीखना चाहते हैं, या कोई भी कोर्स हो गया, या किसी भी कंपनी में जॉब करना, उसके कॉन्सेप्ट को समझना, उसको सीखना है, कंप्यूटर सीखना है, या मोबाइल चलाना सीखना है, गाड़ी चलाना सीखना है, कुछ भी सीखना है, ठीक है, सीखने से बालक विभिन्न समस्याओं का समाधान करना सीखते हैं। ठीक है, तो ये पांचवा नंबर क्वेश्चन था, इसका आंसर मैंने आपको दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, छः नंबर, छात्रों को दिए जाने वाले सामाजिक दंड का अर्थ लिखिए। किनको भैया? छात्रों को दिए जाने वाले सामाजिक दंड का हमें अर्थ लिखना है। देखिए,
सामाजिक दंड व्यवस्था के अंतर्गत समाज के नियम का उल्लंघन करने वाले अथवा सामाजिक नियंत्रण को ना मानने वाले व्यक्ति या समूह को दंडित किया जाता है। व्यक्ति या समूह को क्या किया जाता है? दंडित किया जाता है। छात्रों को डांटना, फटकारना या उनकी निंदा करना ये सामाजिक दंड है। इससे छात्र लज्जित हो जाता है। इसको भी मैं थोड़ा समझाऊंगा, स्टूडेंट समझ लेंगे तो क्या होगा ना, समझ लेंगे तो मान लीजिए कि आपको किताबी भाषा का नहीं आता, आप लोगों ने हमारी बातों को सुना है, कॉन्सेप्ट को समझा है, देखा है प्रश्नों के उत्तर को, तो आप इसको अपने शब्दों में अच्छे से लिख देंगे। अपने शब्दों में लिखेंगे, एग्जामिनर देखेगा कि भैया बच्चे ने अपने शब्दों में लिखा है, तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा और उसको क्या है, उसको अच्छा लगेगा कि बच्चे ने भैया इतना तो समझा। देखिए, सामाजिक दंड यानी जो समाज में दंड होता है ना, व्यवस्था के अंतर्गत समाज के नियम का उल्लंघन करने यानी मान लीजिए किसी रीति रिवाज को ना मानने या समाज के नियम के या उनके विरुद्ध के समय या विरुद्ध के उल्लंघन करना अथवा समाज नियंत्रण को ना मानने वाले व्यक्ति या समूह को दंडित किया जाता है। छात्रों को डांटना यानी मान लीजिए कि किसी स्कूल या विद्यालय में छात्रों को डांटना या फटकारना या उनकी निंदा करना या बुराई करना या उनको क्या है बेइज्जती करना सामाजिक दंड है। इससे छात्र लज्जित हो जाते हैं और उनका मनोबल टूट जाता है। ठीक है, तो ये भी नहीं करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि मानसिक जो है मानसिक पर जो मानसिक प्रभाव ज़्यादा पड़े। ठीक है, तो इतना भी नहीं करना चाहिए उनको। छात्रों को खुद समझना चाहिए कि भैया हमें जो समझना चाहिए वो समझना चाहिए और जो समझना चाहिए समाज से रिलेटेड होना चाहिए और उनकी रीति रिवाज को मानना चाहिए, उनके नियम का उल्लंघन ना करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए 7 नंबर, समावर्तन संस्कार से आप क्या समझते हैं? समावर्तन संस्कार से आप क्या समझते हैं? देखिए, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का सामान्य शिक्षा पूर्ण होने पर संपन्न होने वाले कर क्या है? संपन्न होने वाले, इसमें और है देखिए, संपन्न होने वाले संस्कार को समावर्तन संस्कार कहते हैं। इस संस्कार के अवसर पर गुरु द्वारा शिष्य का मधुपर्क दिया जाता था। मधुपर्क यानी जो है शहद का, ठीक है, शहद घी इसी का एक प्रकार से भोग लगाया जाता था, इसका यह हवन होता था, इसी को मधुपर्क कहा जाता है स्टूडेंट। तथा सार्वजनिक रूप से गुरु द्वारा समावर्तन उपदेश दिया जाता था। सामान्य रूप से शिष्य की 25 वर्ष की आयु पर ही समावर्तन संस्कार का आयोजन होता था। मान लीजिए बालक ने जो अपना वैदिक काल में जो शिक्षा है वो पूर्ण कर लिया यानी कंप्लीट कर लिया, समाप्त कर लिया है, तो उसका ये संस्कार कराया जाता था। जो 25 वर्ष का बालक हो जाता था उसको जो है यानी गुरु के द्वारा मधुपर्क दिया जाता था यानी उसका यानी घी जो घी और शहद का एक प्रकार से हवन होता था, इसी को मधुपर्क दिया जाता था। ठीक है, गुरु द्वारा शिष्य को समावर्तन संस्कार 25 वर्ष में जब वैदिक काल में जो विद्यार्थी होते थे जिनको अंतेवासी भी कहा जाता था शिक्षा समाप्त कर लेते थे तो ये संस्कार होता था। अब एक और संस्कार होता है वैदिक काल में, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार क्या होता है? उपनयन संस्कार प्यारे विद्यार्थी वो होता है, उपनयन संस्कार में बेसिकली होता क्या है कि 8 वर्ष का यानी जो ब्राह्मण युग में है जो 8 वर्ष के बालक हो जाते हैं तो उनका उपनयन संस्कार के द्वारा वैदिक काल की शिक्षा में क्या होता था, उनका एक प्रकार से एंट्री होता था, उनका शिक्षा में प्रवेश लेते थे वैदिक काल में, तो उनका उपनयन संस्कार कराया जाता था, तब वो वैदिक काल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो वो उसका अलग कॉन्सेप्ट है, समावर्तन संस्कार अलग होता है और जो आपका कौन सा उपनयन संस्कार अलग होता है। उपनयन संस्कार होता है बालक को शिक्षा ग्रहण करने से पहले वो संस्कार होता था और बालक का जब शिक्षा समाप्त होता था तभी समावर्तन संस्कार कराया जाता था। तो ये भी समझ में आ गया होगा 7वां नंबर क्वेश्चन। अब चलिए देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा की मुख्य दोष बताइए। मध्यकालीन भारतीय जो शिक्षा है इसके हमें मुख्य दोष को बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के मुख्य दोष इस प्रकार थे, किस प्रकार से थे, इस प्रकार से देखिए। सबसे पहला है धार्मिक कट्टरता, ठीक है, धार्मिक कट्टरता हो गया। दूसरा है सांसारिकता की प्रधानता, ये भी हो गया। तीसरा है जनसाधारण की शिक्षा का अभाव, ये भी हो गया। चौथा है नारी शिक्षा की उपेक्षा, ये भी हो गया। पाँचवा है सांसारिकता की प्रधानता,
ये भी हो गया। छः शारीरिक दंड की प्रधानता, ये भी हो गया। सातवां है आम मनोविज्ञानता, और आठवां है लेखन व पाठन में समन्वय का अभाव। तो ये आपका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन था, तो इतने में आपको बताना था, इतने में आपने बता दिया, फिर इसका आंसर कंप्लीट हो गया, चार नंबर दे देगा। लेकिन मान लीजिए कि यही क्वेश्चन आपका जो है विस्तृत उत्तरीय में पूछ लिया था, तब जैसे जो धार्मिक कट्टरता है मध्यकालीन में ये क्या होता था, इसके बारे में आपको डिटेल में बताना होता। फिर सांसारिकता की प्रधानता क्या होता, इसके बारे में डीपली समझाना होता, आंसर देना होता, इसका परिभाषा देना होता। ठीक है, बेसिकली ये अति लघु उत्तरीय में, तो इतना ही आपको देना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आठ नंबर क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब देख लेते हैं नौ नंबर क्वेश्चन। नौ नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए नौ नंबर क्वेश्चन है कि पंडित मदन मोहन मालवीय के विद्यालय, पंडित मदन मोहन मालवीय के विद्यालय से, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, विद्यालय से संबंधित विचार क्या थे, विचार क्या थे ये हमें बताने हैं। तो देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का कहना था कि विद्यालय शांत सुरम, यहाँ पर देखिए सुरम में, और पवित्र स्थान पर होना चाहिए, जिससे, यानी क्या है, पवित्र स्थान पर होना चाहिए जिससे सामाजिक बुराइयों का प्रभाव विद्यालय पर ना पड़ सके। विद्यालय में बालकों को ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जिसमें उनमें सामाजिक एवं सांस्कृतिक भावनाओं का विकास हो सके। सांस्कृतिक भावनाओं का क्या हो सके प्यारे विद्यार्थी, विकास हो सके। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी का, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं, इनकी विचारधारा किस तरह से है, ये नौ नंबर क्वेश्चन में बताया गया है, डीपली समझ सकते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, जो कि शिक्षा शास्त्र का दस नंबर क्वेश्चन है। जनसंख्या शिक्षा की एक परिभाषा दीजिए। जनसंख्या शिक्षा की हमें एक परिभाषा देना है, जो कि यूनेस्को द्वारा आयोजित, ये परिभाषा मैं दे रहा हूँ। जनसंख्या शिक्षा संगोष्ठी के अनुसार, जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व की जनसंख्या की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन का उद्देश्य छात्रों में इस स्थिति के प्रति विवेकपूर्ण एवं उत्तरदायित्व दृष्टिकोण तथा व्यवहार का विकास करना है, जो कि विकास का क्या है, विकास करना है, जो कि जनसंख्या शिक्षा से संबंधित है। तो ये जनसंख्या शिक्षा की एक परिभाषा है, जो कि इस तरह से दिया हुआ है। देख सकते हैं जनसंख्या शिक्षा की कई प्रकार की परिभाषा है, और अलग अलग शिक्षा शास्त्री ने अपना अपना परिभाषा दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो ये हमारा 10 जो हमारा क्वेश्चन था, किसका क्वेश्चन था, 10 हमारी क्वेश्चन थे अति लघु उत्तरीय शिक्षा शास्त्र के। आई होप कि समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ों को आपको बता दिया है, 10 अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन बताए हैं आपके समक्ष, और हमारा 20 क्या था, 20 हमारा निश्चित उत्तरीय प्रश्न मैंने आपको बताया है, 20 निश्चित उत्तरीय प्रश्न मैंने आपको बताया है, उसके बाद में 20 हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न आपके समक्ष उपलब्ध कराए हैं। तो इसको लिखने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है। आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले स्टूडेंट, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एक ही सेकंड लगता है, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, कम से कम 1 से 2 लोगों पर ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि आप लोग हमारी वीडियोज को देखते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, और मैं और भी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं सारी चीज़ों पर वीडियो बनाने का प्रयत्न करूँगा। तो स्टूडेंट, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।